बैक टू माई चैनल और आज हम जा रहे हैं थाने के न्यूली ओपन इस्कॉन टेम्पल में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थाने में कहाँ है, इधर पे टाइमिंग्स क्या है, आरती के क्या टाइमिंग्स हैं, यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं और हम इस्कॉन के बारे में भी काफी बातें करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। इस्कॉन टेम्पल थाने में कोलशेट रोड पे पिरामल बैकुंठ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। इसकी जो एंट्री है वो पिरामल के गेट नंबर 2 के पास है। हम पहुंच गए हैं थाने के न्यूली कंस्ट्रक्टेड इस्कॉन टेम्पल में, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है 17 मार्च 2024। थाने का इस्कॉन टेम्पल का नाम है श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर। जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो आपको सुंदर सा मंदिर दिखता है। मंदिर का जो एंट्रेंस है वो दूसरी तरफ है। आप जैसे ही मंदिर की प्रीमाइसेस में आएंगे, वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन मिलेगा जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मंदिर सुबह के टाइम जाएं। इस वक्त यहाँ पे बहुत शांति रहती है और बहुत ही पीसफुल सा माहौल रहता है। यहाँ पर आपको एक गिफ्ट शॉप भी देखने को मिलती है, लेकिन वो हम दर्शन करने के बाद देखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की एंट्रेंस की तरफ। इस्कॉन का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये टेम्पल थाने का फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ पर जैसे जैसे आप एंट्रेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शू रैक भी दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपने शूज रख सकते हैं। ये जो डिवाइन टेम्पल है, ये कोई भी और इस्कॉन टेम्पल की तरह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो मार्बल और स्टोन का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सीरीन है। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, आपको साक्षात राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं और इनकी मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि बस इन्हें देखते ही जाओ। यहाँ पे सुबह के टाइम पे प्रवचन भी होते हैं, जहाँ पे भगवद गीता से इंस्पायर्ड लाइफ लेसन्स के बारे में बताया जाता है। आचार्य भागवत सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन अगर हम प्रामाणिक नहीं है ना तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं होता। नोबडी फॉर सेल्फ, इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल, वी आर रिस्पांसिबल फॉर आवरसेल्व्स। सभी लोग रहेंगे ना, जैसे कि हम डिसिप्लिन में बताया था कि एवरीबॉडी इज देयर अराउंड अस, लेकिन जैसे पिछली बार भी एनालॉजी किया था, पंछी उड़ रहा है, अगर हर एक पंछी नहीं उड़ेगा तो फिर मंदिर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत बारीकी से बनाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का टोम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर में बैठने के लिए भी काफी जगह दी गई है, जहाँ पर आप बैठ के भजन कर सकते हैं। यहाँ पर मालाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो अगर आपको माला करनी है तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। मंदिर की जो वॉल्स हैं उसमें कृष्ण जी की लीलाएं बनाई गई हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा दिया भी रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे दिए हैं। आई एम श्योर ये जब रात के टाइम पे जलता होगा तो बहुत ही सुंदर नजारा होता होगा। मंदिर में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे बैठ के हमने भजन किए और यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति इतनी अट्रैक्टिव है कि ये आपका मन मोह लेती है और इनसे नज़र ही नहीं हटती है। म
मंदिर के बाहर आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर बनाया है ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच को ध्यान में रख के बनाया हुआ है और ये बहुत सुंदर और सीरीन है। मंदिर के बाहर गार्डन्स बनाए हुए हैं लेकिन इस समय थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए अभी बंद कर रखा है। हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गिफ्ट शॉप जो हमने शुरू में देखी थी। यहाँ पे आपको मालाएं देखने को मिलेंगी जिनको आप परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको काफी और भी आइटम देखने मिलेंगे जैसे कि हैंडमेड साबुन है, यहाँ पर हेयर ऑयल है, फेस मास्क है। ये सारी हैंडमेड सोप्स हैं और ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। ये भी कुछ और हैंडमेड सोप्स हैं तो यहाँ पर मैंने दो हैंडमेड सोप परचेस भी करी और इनकी जो प्राइस थी वो 50 रुपीज पर पीस है। इस गिफ्ट स्टोर में जितना भी सामान था वो मुझे काफी रीजनेबल लगा तो आपको अगर यहाँ से कुछ परचेस करना है जैसे धूप बत्ती है, अगरबत्ती है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।